नमस्कार दोस्तों, अभी लोकसभा के चुनाव करीब 5 माह दूर है, लेकिन देश की राजनीति में एक संकेत बड़ी तेजी से उभरने लगे हैं और वो यह है कि केजरीवाल, अखिलेश, ममता बनर्जी और राहुल गांधी को लेकर जो संकेत उभर रहे हैं, और खासकर यह जो विधानसभा चुनाव हुए ये संकेत इनसे उभरे हैं अगर डेटा का विश्लेषण करते हैं तो। आइए इसी पर बात करते हैं। आप 3 बिंदुओं पर गौर कीजिए। पहला बिंदु, केजरीवाल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 205 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं पाए। पहली तो बात, इंडिया गठबंधन में केजरीवाल है, लेकिन इन चुनाव में इंडिया गठबंधन का तालमेल काम नहीं आया। वह 205 सीटों पर चुनाव लड़े और केजरीवाल को इन विधानसभा चुनाव में नोटा से भी कम वोट हासिल हुए। मध्य प्रदेश में 66 सीटों पर चुनाव लड़े और मात्र 0.53% वोट मिले, यानी आधा प्रतिशत के आसपास। राजस्थान में 85 सीटों पर चुनाव लड़े, यहां पर 0.38% वोट मिले। छत्तीसगढ़ में 54 सीटों पर चुनाव लड़े और यहां पर 0.93% वोट मिले, यानी 1% भी वोट नहीं मिले किसी प्रदेश में। यह केजरीवाल के लिए चिंताजनक तस्वीर है। इससे पहले गुजरात, गोवा और अन्य प्रदेशों में जो चुनाव होते रहे, केजरीवाल के पक्ष में एक पॉजिटिव तस्वीर बनती रही है, लेकिन इन चुनावों ने यह एक संकेत दिया है। क्या यह समझा जाए कि लोग यह मान बैठे कि केजरीवाल और केजरीवाल के मंत्री, केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार में डूबे हुए राजनेता और सरकार है? क्योंकि पिछले दिनों इस देश में अगर भ्रष्टाचार और मंत्रियों की गिरफ्तारी को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा में रहा है तो वह अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार और उनके मंत्री रहे। अब दूसरे बिंदु पर आते, अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में 72 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और खुद 24 चुनावी रैलियां की मध्य प्रदेश में, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाए। और वह वोट प्रतिशत की बात करें तो 0.43% वोट हासिल कर पाए। पिछले चुनाव में एक सीट जीत गई थी, 9 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रहे थे और वोट प्रतिशत भी 1.5% के आसपास रहा था, लेकिन इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाए। कुछ ऐसी तस्वीर मायावती के साथ भी बन रही है इन विधानसभा के चुनाव में। मायावती का मध्य प्रदेश, राजस्थान में एक अच्छा वोट बैंक माना जाता रहा है, वो दिखता रहा है, लेकिन इस चुनाव में वह पिछले की तुलना में घटकर करीब आधे के आसपास हो गया है। अब तीसरे बिंदु पर आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार तेलंगाना में मुस्लिम आबादी 12.68% है। 2014 में राज्य गठन के बाद से ही मुसलमानों का वोट बीआरएस को सीधे जाता रहा है, लेकिन इस चुनाव में मुसलमानों का वोट कांग्रेस के साथ आ गया। यह ट्रेंड पिछले कुछ चुनाव में पूरे देश में देखने को मिला है। देश में मुस्लिमों का वोटिंग पैटर्न बड़ी तेजी से बदल रहा है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में मुसलमानों ने केजरीवाल से मुंह मोड़कर कांग्रेस को वोट दिया था। इसके बाद कर्नाटक के चुनाव में मुसलमानों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट किया और अब तेलंगाना में कांग्रेस को 19 सीटों से सीधे 60 सीटों पर पहुंचा दिया। आप सोचिए, अगर ऐसा उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी हो जाता है तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की राजनीति संकट में पड़ जाएगी, उनकी राजनीतिक पार्टी चिंता में पड़ जाएगी। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अच्छे संकेत लेकर आए हैं अगर वोटिंग पैटर्न को देखें तो, क्योंकि अगर क्षेत्रीय दल संकट में आते हैं तो कांग्रेस को ही लाभ होगा लंबे समय में जाकर, भले ही अभी ना हो लेकिन 2029 आते आते तो लाभ होगा ही। यह सीधी सी बात है, कांग्रेस के पक्ष में यह एक समीकरण है। इस चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस का वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा कम हुआ नहीं है। इसके बाद भी राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा सवाल या निशान लग गया है इन चुनाव से। कैसे? इसको केवल 2 ही बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला बिंदु, राहुल गांधी ने पिछले साल के आखिरी में करीब 4,000 किलोमीटर लंबी एक यात्रा निकाली जिसका नाम रखा भारत जोड़ो यात्रा। 137 दिन यह यात्रा चली थी देश में एक छोर से दूसरे छोर तक। यह यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना होते हुए निकाली गई। कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, तेलंगाना में भी जीत गई। बहुत से लोगों ने कहा यह यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो है, इन प्रदेशों में जो जीत हुई है ये इसका असर है। आपको याद होगा यह यात्रा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बहुत दिनों तक रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान कांग्रेस हार गई। आखिर इन दोनों प्रदेशों में राहुल गांधी की यह भारत जोड़ो यात्रा असरकारी क्यों साबित नहीं हुई, यह एक बड़ा सवाल है। इसके 2 बड़े कारण हो सकते हैं, एक कांग्रेस का जो संगठन है उसका कमजोर होना और दूसरा कांग्रेस के नेताओं में आपसी लड़ाई होना। यह लड़ाई बीजेपी में भी है, लेकिन बीजेपी में शक्ति से पेश आया जाता है और कांग्रेस में शक्ति दिखती नहीं है, लंबे समय से दिखी नहीं है, जिस तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश के हालात बने रहे। और दूसरी बात,
राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस और विपक्ष की राजनीति में अपनी भूमिका तय नहीं कर पा रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष है और राहुल गांधी केवल सांसद है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है या फिर केवल चुनाव प्रचारक है, यह कुछ समझ में आता नहीं है। वो केवल कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचारक है या फिर समूचे विपक्ष के लिए चुनाव प्रचारक है, इसको लेकर भी साफ तस्वीर बनती नहीं है। जबकि नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत ही साफ साफ एक तस्वीर बनती है। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा थे, लेकिन अब जब चुनाव केवल 5 माह की दूरी पर है, उनको लेकर बहुत ही घालमेल है। इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम ने जो एक संदेश दिया है देश की राजनीति में, वो यह है कि देश की राजनीति में क्षेत्रीय दल बुरी तरीके से संकट में आते हुए दिख रहे हैं। अब देखना होगा यह संकेत कितने आगे तक बढ़कर क्या गुल खिलाता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।